तो गाइस आज हम जो घूमने जा रहे हैं वो है 12 ज्योतिर्लिंग कंचनधाम। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप पूरा देखना। तो ये है कंचनधाम का मेन गेट और यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। और ये देखिए प्यारा सा बतख। तो अब हम आपको कंचनधाम का मेन गेट दिखा रहे हैं और मौसम आज काफ़ी बारिश का हो रहा है। अब देखो आप, अब हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंग घूम के आपको दिखाएंगे। एक एक ज्योतिर्लिंग अच्छे तरीके से देखना आप। यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात का है, सौराष्ट्र का। ये वाला ज्योतिर्लिंग गुजरात से है। इसी क्रम में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो एक एक करके हम देखने जा रहे हैं। ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन। आज काफ़ी बारिश हुई है। अब देखते हैं आगे, आगे का जो ज्योतिर्लिंग है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यह है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, देखिए आप। अब इसी क्रम में हम आपको आगे का ज्योतिर्लिंग दिखाते हैं, वेदनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से ये वाला ज्योतिर्लिंग है। शंख देखिए काफ़ी सुंदर है। आगे चलते हैं अब हम। तो गाइस ये है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, यह है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इसके बाद है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु चेन्नई के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये देखिए, और ये देखिए आज जो बारिश हुई थी उसका जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, जगह जगह पे जो पानी देखने को मिला है। आज काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। अब देखिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये। हम चलते हैं अंदर, देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से। अब हम आए हैं विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में, ये भी देखिए आप, यहाँ पर भी पानी निकाला जा रहा है। अब देखो आप, जो ये ज्योतिर्लिंग है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अब हम जो ज्योतिर्लिंग दिखा रहे हैं आपको वो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड से। अब देखो आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। अब आप देख सकते हो आज का जो मौसम हो रहा है वो देखो आप, कितना भारी मौसम हो रहा है। सारे 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बसाए गए हैं और इस जगह को कंचनधाम के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको एक बार पूरा व्यू दे देते हैं चारों तरफ का।
बारह के बारह ज्योतिर्लिंग आपको दिखाए जा रहे हैं। ये यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग बनाए गए थे उसी के आधार पर बीच में शंकर भगवान की और माँ पार्वती की गणेश जी की मूर्ति रखी गई है, वो अब हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं, अब आप देख सकते हैं। और ये साथ में मौसम और मौसम के साथ ये 12 ज्योतिर्लिंग और बीच में बने हुए हैं शंकर भगवान और उनकी फैमिली। जय भोले बाबा। अब हम बाहर आ गए हैं गेट के और हमें फिर से वही बतख दिखा है। और ये बतख ख़ास तौर पर बस मंदिर के जस्ट सामने रहता है और फिर अंदर चला जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।